हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब दोस्तों, यहां पर पत्र लेखा को उसके किए की सजा मिल गई और पत्र लेखा जेल के सलाखों के पीछे है। दूसरी तरफ सई जो है वो चौहान निवास को छोड़कर जो है सभी लोगों से नाराजगी जताते हुए जो है वो निकल चुकी है गढ़चिरौली की ओर। और यहां पर विराट के पास फोन आ चुका है कि भाई, जो बस थी जो गढ़चिरौली की ओर जा रही थी उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और काफी लोगों की जान खतरे में है। अब यहां पर विराट से लेकर चौहान निवास के हर एक शख्स की हवा जो है वो यहां पर पतली हो जाने वाली है, क्योंकि सीधी सी बात है, सई से भले ही कई लोगों को प्यार क्यों ना हो, सई को चौहान निवास में चाहने वाले चाहे चंद लोग ही क्यों ना हो, लेकिन विनायक से तो सभी की जो दिली इच्छा है वो जुड़ी हुई है। सभी लोग दिल से प्यार करते हैं विनायक को। और यहां पर दोस्तों, आखिरकार ये सब क्यों दिखाया जा रहा है और आखिरकार सई का ये एक्सीडेंट क्यों दिखाया जा रहा है और आखिरकार सीरियल के मेकर्स क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके की आने वाली स्टोरी हो सकती है एंड आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की सारी गुत्थी को हम सुलझाने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां पर पिछले एपिसोड की और वीडियो की, दोनों की ही, क्योंकि यहां पर दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आज से पिछला एपिसोड आप देखेंगे तो यहां पर विराट को सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से विलन डिक्लेयर कर चुके थे। पर मुझे लगता है कि उनके दिमाग में अचानक से चीज आई होगी कि हो ना हो नील भट्ट जो है वो है तो सीरियल के लीड मेल एक्टर ही, और उन्हें पूरी तरीके से विलन में तब्दील करना जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। और उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि अगर विराट को क्लीन चिट देना है तो सई और विराट की लड़ाई के बाद जो है उन्हें अलग दिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर विराट सई को दूर जाने देगा, विनायक को अपने पास रख लेगा, तो विराट से बड़ा बड़ा विलन तो यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों सीरियल के मेकर्स ने एक अलग रास्ता निकाला है सई और विराट को 8 साल के लिए अलग करने का। तो दोस्तों, ये सब चीजें सोचकर आपके दिमाग में भी कई सारी चीजें आ रही होगी, काफी कुछ चल रहा होगा कि आखिरकार सील के मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि यहां पर सील के मेकर्स ने आने वाले एपिसोड में जो नई अपडेट्स आ रही है उनके अनुसार एक ऐसा ट्रैक तैयार किया है जिसके अनुसार ना तो विराट जो है वो एक विलन की तरह आपको देखने को मिलेगा, ना ही सई जो है वो विराट से दूर जाते हुए आपको नजर आएगी, और इसी के साथ ही पत्र लेखा को गुनाहों की सजा भी मिलेगी लेकिन वो जेल से भी बाहर आ जाएगी। अब दोस्तों वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आने वाले एपिसोड को लेकर जो नई अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट, और वो ये है कि यहां पर एक्सीडेंट होने के बाद जो है सई पूरी तरीके से मिसिंग हो जाने वाली है, लेकिन विनायक जो है वो विराट के हाथों में लग जाने वाला है, यानी कि चौहान निवास के लोगों के पास विनायक तो आ जाएगा लेकिन सई उनके पास नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहां पर सई जो है वो पूरी तरीके से मिसिंग होते हुए आपको नजर आ सकती है। और विराट से लेकर चौहान निवास के हर एक लोगों को ये लगेगा कि हमने हमारी बहू जो है, मैंने मेरी जो पत्नी है, यानी कि विराट को लगेगा कि मैंने मेरी पत्नी को दी है, और चौहान निवास के लोगों को लगेगा कि हमने जो है हमारा जो बहू थी वो खो दी है, लेकिन विनायक जो है वो बच गया। और यहां पर सई पूरी तरीके से चौहान निवास के लोगों के लिए हमेशा के लिए जा चुकी होगी। अब दोस्तों सवाल यहां पर ये है कि पत्र लेखा बाहर कैसे आएगी और उसके बाद आखिरकार सई वाकई में चली गई है या फिर सई का क्या हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर विनायक को संभालने के लिए विराट और चौहान निवास के लोगों को जो है एक शख्स की जरूरत पड़ने वाली है और वो पत्र लेखा ही है। यहां पर कहने को तो चौहान निवास के लोग कहते हैं कि यहां पर हम सभी लोग परिवार हैं और हम सब मिलकर जो है विनायक को पालेंगे, लेकिन जब यहां पर विनायक किसी के भी चुप कराने पर शांत नहीं होगा, लगातार रो ही जाएगा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पत्र लेखा को बचाने के सिवाय। और पत्र लेखा का फिर से चौहान निवास में जो है वो वेलकम होने वाला है। अब यहां पर भवानी काकू से लेकर विराट उससे कुछ अलग सजा देते हुए नजर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन उसे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट तो विनायक के रूप में मिल ही गया। और दूसरी तरफ हमारी सई जो है दोस्तों, उसकी याददाश्त भी यहां पर चले जाने वाली है और सई चौहान निवास के लोगों के लिए पूरी तरीके से जा चुकी है इस दुनिया को छोड़कर। अब दोस्तों, यहां पर सई जो है वो पूरी तरीके से दूसरी जगह पर रहते हुए आपको नजर आ सकती है, और ये समय की घड़ी कुछ इस तरीके से सीरियल में उड़ने वाली है कि 8 साल कब निकल जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं होगा। और इन 8 सालों के दरमियान जो है जो सई अपनी याददाश्त खो चुकी है वो अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को याद करती है और कुछ कुछ चीजें उसे याद रहने वाली है, और चौहान निवास के लोगों को आई थिंक वो पूरी तरीके से भूल जाती है। वेल, देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से सीरियल के मेकर सई को जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर उसकी याददाश्त जाती है
तो उसकी मेडिकल की पढ़ाई भी भूल जानी चाहिए, और यहाँ पर चौहान निवास के लोगों को भूल गई तो विराट के साथ साथ सभी लोग उसे भूल जाने चाहिए। तो आखिरकार कैसे आधी मेमोरी लॉस होती है सही की, ये देखने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सही के बारे में एक बड़ा सच सामने आने वाला है, और वो ये है कि सही की केवल याददाश्त नहीं गई है बल्कि वो माँ भी बनने वाली है। यानी कि एक तरफ तो दोस्तों विराट ने अपने नसीब को कोसते हुए पत्र लेखा को जेल से बाहर निकाल दिया है और विनायक को उसे सौंप दिया है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। यहाँ पर वो पत्र लेखा से दूरी बनाकर रखने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सही की यादों में रहने वाला है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर वो यहाँ पर बन जाएगा। और दूसरी तरफ सई जो है यहाँ पर अपनी बच्ची को संभालने वाली है पूरी तरीके से, और सई को भी सिर्फ और सिर्फ धुंधली बातें ही यहाँ पर याद रहते हुए आपको नजर आ सकती है कि उसे बस आस है और एक थोड़ी सी उसे याददाश्त है कि उसका कोई परिवार था कभी और उसके कोई पुलिस ऑफिसर से उसका रिश्ता था, और उसे यही सब चीज़ें याद रहने वाली है, और यही चीज़ें वो अपनी बेटी जो प्रियंका होने वाली है उसको बताने वाली है। यानी कि दो चाइल्ड एक्टर की एंट्री जो है यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाली है, और 8 साल के लीप के लिए दोस्तों पूरी तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। क्योंकि दोस्तों ये अपडेट जब मुझे पता चली थी मुझे इस पर शक हुआ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है सई को दूर करना विराट से जो है पॉसिबल नहीं था विदाउट विराट को नेगेटिव बनाए। तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स इसको अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता है कि सई की मेमोरी लॉस हो जाती है और उसे मिसिंग करा दिया जाता है, तब तो जाकर ये स्टोरी जरूर हमें देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर लीप भी हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि विदाउट सई के मेमोरी लॉस के और विदाउट सई के मिसिंग होने के यहाँ पर सई को विराट से दूर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि सई एक माँ के रूप में जो है कभी भी विनायक को अपने से दूर नहीं करेगी, और आखिरकार किसी भी इस हालत में जो है वो विनायक को पत्र लेखा को सौंप कर चौहान निवास को छोड़कर जो है जाते हुए कभी नजर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों कि सई की जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है यहाँ पर, और जब 8 साल का समय पूरा होने वाला है तो सई और विराट जो है एक बार फिर से कई नई राहों पर जो है आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जब विराट भी अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बिगाड़ चुका होगा और एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन चुका होगा, और दूसरी तरफ सई जो है वो काफी बड़ी डॉक्टर बन चुकी होगी, और सई का नाम जो है वो दूर दूर तक जाने लगेगा, बस चौहान निवास के लोगों तक ही नहीं पहुंचेगा। अब उसके बाद दोस्तों एक फंक्शन के अंदर आपको दोनों मिलते हुए फिर से नजर आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग दोस्तों यहां पर कमेंट्स कर रहे थे पिछले वीडियोस पे, और कई सारे लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पर भी सवाल शेयर किए, एंड वो वीडियो भी शेयर हो रहा था, मैं देख रहा था कई जगह पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी अपडेट आपको देता हूँ वो आने वाले एपिसोड से जुड़ी होती है। कई बार आप लोग जो है प्रोमो को रियल नहीं मानते हैं, और जब मैं प्रोमो के अगेंस्ट कुछ बोल देता हूँ उसके अलावा आपको कुछ बताता हूँ तो बहुत से लोग जो है वो प्रोमो को रियल मानते हैं और वीडियो को बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोमो गलत साबित हुए हैं, और मैंने जो आपको अपडेट दी है और हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो कई बार सही होता है, और इस बार भी ये अपडेट जो है दोस्तों पूरी तरीके से सही लग रही है। और जिन भी लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वीडियो को लास्ट में होती है और वीडियो का आधा अधूरा देखते हैं तो कुछ पता भी नहीं चलता है। दोस्तों आई होप आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यस, आज की इस वीडियो में आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो जवाब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।